इसके पहले हम लोग ने लास्ट टाइम क्या देखा था, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का डेल्टा देखा था। कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना रहता है, 0 to 1, एंड पुट का 0 to -1, ये हम लोग ने देखा था। एंड क्या बोला था, डेल्टा लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। डेल्टा एक्चुअल में डिराइव कहाँ से करते हैं हम लोग, BSM मॉडल जो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा और डेल्टा के ऊपर समझते हैं। डेल्टा मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट है बोला था क्या, नहीं। जैसे जैसे अंडरलाइंग चेंज होता है मेरा डेल्टा भी चेंज होता है, बराबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 सपोज इंडेक्स जो है 9000 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 9200, यानी कि आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब कितना रहेगा, अराउंड 0.32 0.35, मैं ऐसी रैंडम ले रहा हूँ, हो सकता है 0.29 भी हो 0.37 भी हो, मैं ऐसी रैंडम ले रहा हूँ 0.3 से 0.35, समझा। अगर मेरा स्पॉट चेंज होता था 9200 पे, एक्सरसाइज प्राइस 9200 है, डेल्टा कितना हो गया 0.5। देखा, विद स्पॉट आपका डेल्टा चेंज हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 9000 पे भी 0.3 था, 9200 पे भी 0.3 था, 9200 पे 0.5 हो रहा है। सिमिलरली अगर इन द मनी है 9350 तो 0.65 to 0.7 रहेगा, इन द मनी है तो, समझ में आ रहा है। यानी कि देखो डेल्टास भी चेंज हो रहा है। आप है ना सिंपल लैंग्वेज में डेल्टा को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, एज प्रोबेबिलिटी। कितना प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन मेरा इन द मनी रहे। अगर मैं बोलता हूँ एट द मनी है, 9200 स्पॉट है, एक्साइज प्राइस 9200 है, तो 50% चांस है कि इन द मनी आएगा, 50% चांस है कि आउट ऑफ द मनी जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली पुट के लिए भी 0.5 ही बोलते हैं ना हम लोग, एट द मनी रहेगा तो, बस वो डेल्टा का साइन माइनस है, बट 0.5 जो एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या होता है, 50% प्रोबेबिलिटी। यही अगर आप बहुत डीप इन द मनी रहेगा, बहुत डीप इन द मनी मतलब 9200 एक्साइज प्राइस है मेरा, 9400 एंड 9500 पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा ऑलमोस्ट कितना रहेगा डेल्टा, 0.98 0.99 रहेगा। यानी कि 99% श्योर हूं मैं कि इन द मनी रहेगा ना। आउट ऑफ द मनी जाने के लिए कुछ एकदम ड्रास्टिक न्यूज आना चाहिए, निफ्टी का, एक सिंगल स्टॉक का नहीं है ये, निफ्टी का है। यानी कि वो एक क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी 50 स्टॉक्स है, तो बहुत कम चांस है, समझ में आ रहा है। तो यह हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं डेल्टा को, बहुत लोग हैं ट्रेडर्स जो होते हैं ना, डेरिवेटिव ट्रेडर्स होते हैं ना, नॉर्मली डेल्टा को एज प्रोबेबिलिटी ट्रीट करते हैं, समझ में आया। अगेन ये वाला पॉइंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पक्का डन। ये डेल्टा का एंड स्टॉक प्राइस का, इसके पहले जो मैंने बताया था वो किसका था, कॉल ऑप्शन एंड स्टॉक प्राइस का था ये वाला फिगर, इसके लिए मैंने रब नहीं किया है। देखो ये एक्साइज प्राइस, ये कॉल ऑप्शन। अब क्या कर रहा हूं मैं, डेल्टा को ले रहा हूं, डेल्टा और स्टॉक प्राइस। आप अगर ध्यान से देखोगे, जब आउट ऑफ द मनी रहता है तो मेरा डेल्टा कितना है, जीरो। यहां पे देखो आउट ऑफ द मनी डेल्टा कितना ही रहेगा, जीरो, तो जीरो। जैसे 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 इन द मनी आ रहा है, जैसे जैसे टूवर्ड्स एट द मनी आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरा डेल्टा बढ़ रहा है, जीरो से 0.5 जा रहा है। जैसे ही 0.5 पे है, एट द मनी 0.5, एंड बहुत डीप इन द मनी रहेगा तो क्या है, वन। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो, जब डीप इन द मनी रहेगा ना तो मेरा डेल्टा लगभग कांस्टेंट रहेगा। मेरा डेल्टा सबसे ज्यादा वेरिएबल कहां पे रहेगा, सबसे ज्यादा वेरिएबल कहां पे, ये वाले पॉइंट पे। देखो ना, थोड़ा भी स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है मेरा डेल्टा चेंज हो जाएगा, थोड़ा भी स्टॉक प्राइस गिरा मेरा डेल्टा चेंज, लेकिन डीप इन द मनी है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज प्राइस एक स्टॉक का सपोज 100 है, हाइपोथेटिकली पकड़ लेते मेरा ये एक्साइज प्राइस 100 है, ये मेरा 500 है, 500 पे ट्रेड कर रहा है, तो डीप इन द मनी है, तो डेल्टा लगभग कितना है, 0.99 या 0.999 कुछ रहेगा। तो अगर 1 रुपया से चेंज होता है तो भी मेरा डेल्टा 0.999 ही रहेगा, फिर 1 रुपया चेंज हुआ तो भी 0.999 ही रहेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है ये पॉइंट में, ये वाले पॉइंट पे मेरा डेल्टा क्या है, कॉन्स्टेंट, डीप आउट ऑफ द मनी रहेगा। यहाँ पे भी लगभग क्या है, डेल्टा कांस्टेंट। तो सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे होता है, एट द मनी, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, 50% प्रोबेबिलिटी है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। देखो डेल्टा 0.5 मतलब 50% प्रोबेबिलिटी ऑप्शन वुड बी इन द मनी, यानी कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ पे आएगा, एट द मनी पे। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी एट द मनी पे आएगा तो वॉलिटिलिटी ज्यादा यानी कि वेगा, ग्रीक है उसका, वेगा वुड बी हाईएस्ट एट द मनी ऑप्शन, एट द मनी पॉइंट।
एट दी मनी जब रहता है वेगा सबसे ज्यादा रहेगा। टेक्स्ट बुक में एक लाइन है, बस मैं उसको ऐसे करके लिंक किया आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया? ये है डेल्टा। अगेन इसके ऊपर वापस एक और बार जाएंगे, थर्ड टाइम वापस जाएंगे सम्स देखने के लिए, डेल्टा में वापस जाना है, बस मैं आपको ब्रेक कर करके सिखा रहा हूँ। डेल्टा हो गया। गामा क्या बताता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है वो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्या बता रहा है? बेसिकली जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, वही गामा है। क्या बोला मैंने कि सबसे ज्यादा अनसर्टिनिटी यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे एंड सबसे कम यहाँ पे। गामा क्या बताता है? कि चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाई चेंज इन स्टॉक प्राइस, चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाई चेंज इन स्टॉक प्राइस। मैंने क्या बोला था? जब बहुत डीप इन द मनी रहेगा फर्क पड़ने वाला है क्या? डेल्टा लगभग कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड डीप आउट ऑफ द मनी रहेगा तो भी डेल्टा लगभग कॉन्स्टेंट रहेगा। ये देखो यहाँ पे डेल्टा जीरो का जीरो ही रहा, डीप इन द मनी रहा तो भी डेल्टा कॉन्स्टेंट रहा। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी कहां पे आया? एट द मनी एंड उसके आजू बाजू। देखो इसको हम लोग बोलते हैं गामा का ग्राफ। टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में ना ये ग्राफ है ना ये ग्राफ है, तो हाईली रेकमेंड करूंगा ये लिखो समझ के, मैंने जो एग्जांपल दिया वो ही लिखो। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी लिखना उसके साथ, क्लियर लिख लो।